इंडिया रिपोर्ट 2015 में बोला गया कि 1 लाख महिलाओं पे 244 महिलाओं की डेथ राजस्थान में होती है। इस सबको मिटाने के लिए राजस्थान सरकार ने ज़्यादातर राजकीय अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इसके अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि जब राजकीय अस्पताल में महिलाएं प्रसव कराने जाती हैं तो उनसे जेंडर को लेकर लिंग भेद किया जाता है, महिलाओं की देखभाल नहीं की जाती। वे महिलाओं के घर वालों से बेटा होने पर 1-1 हज़ार रुपये व बेटी होने पर कम पैसे वसूल किए जाते हैं। अरे करीब करीब 2 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। यूँ हो गई कि इधर उधर बहन बेटी भी आई हैं और साधन भी लाए हैं उधर से इधर से, और हॉस्पिटल में हो गए होंगे 1000-1200। ये नर्स वगैरह इनको 400-500 रुपये पैसे खर्चे है गए। तो अभी आप बाहर क्यों खड़े हुए हो? अब जाएंगे अंदर कागज बनवा रहे। तो क्या अंदर हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि इस तरह की स्थिति में महिला अंदर बैठ सकती है? कागज बनवाए, कागज बनवाए, भर्ती कागज बनवाए। पता भी नहीं चलता, उससे पहले भी ले लेते कि लड़का होगा या लड़की, ये तो पता ही नहीं चलता है, उससे पहले ही ले लेते। रोड पे लग रखा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं थे और एसएस नंबर को कार्रवाई करा। जबरदस्ती ये कह देते हैं कि ये इसका तो ऑपरेशन होगा, हम इसको इस तरीके से बता देंगे, ये आपको ज़्यादा पैसे लगेगा इसलिए हम आप हमारे लिए इतने पैसे दे दो और हम इसको कर देंगे। आवाज़ उठाने में जैसा जो ग्रामीण में जो आदमी होते हैं ना, वो ऐसा कुछ सोचते नहीं है, जानते भी नहीं है कि हम पैसे ये पैसे लेते हम आगे क्या करें। उनको डर रहता है मैसेज अपने पेशेंट की, वो क्या सोचते हैं कि शायद इनको पैसे हम नहीं देंगे तो हमारा बच्चा या प्रसिद्धा को कोई दिक्कत आ सकती है, ये देख रेख नहीं करेंगे। और जब पैसे दे देते हैं तो ठीक देख रेख करते हैं, और पैसे भी देते हैं तो देख रेख नहीं करते हैं। जो लिंग को लेकर गर्भवती महिलाओं के घर वालों से पैसा लिया जाता है उसको पूरी तरह बंद किया जाए। करौली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नंबर है 074-64-220-150। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहद के लिए।